एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो ना बेहद स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो इयररिंग्स के ऊपर बेस्ड है। अब वेडिंग सीजन आ रहा है, साथ ही साथ दिवाली का फेस्टिवल भी आ गया है। ऐसे में मुझे लगता है कि जो इयररिंग्स होते हैं ना, वो हम लड़कियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हमारी इस वीडियो में मैं आपको इयररिंग्स के साथ ही कई सारे हैक्स जो है वो बताने वाली हूँ। एंड वो क्या हैक्स है उसे जानने के लिए आपको इस वीडियो में मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मोस्टली क्या होता है, जब हम लोग हैवी जो इस तरह के जो झुमके होते हैं जब हम पहनते हैं, तो ये झुमके कहीं ना कहीं हमारे जब हम इसे पहन रहे होते हैं तो हमें हल्का सा पेन दे रहे होते हैं। कई बार इजीली हमारे हम लोग इसे पहन भी नहीं पाते हैं। तो उसके लिए भी ना एक हैक है। आप लोग क्या करिए, अपना मॉइस्चराइजर लीजिए, बिल्कुल ज़रा सा एक बूंद, जस्ट अ लिटिल बिट, और उसे अपने कानों के ऐसे आगे और पीछे लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि इजीली आप जो अपनी जो इयररिंग्स है ना वो पहन पाएंगे जी, और ये इजीली आपको पेन भी नहीं करेंगे। अब जो मैं आपको अगला हैक बताने जा रही हूँ वो मेरे साथ तो बेहद मतलब में बहुत काम की चीज़ है। क्या होता है, ज़्यादातर हम लोग ना अपना एक जो इयररिंग होते हैं ना वो खो देते हैं। मेरे को लगता है कि 50% लोगों के साथ ना ऐसे होता है कि लड़कियां अपनी एक इयररिंग जो होती हैं खो देती है। अब उसके लिए भी ना एक हैक है। हैक ये है, ध्यान से देखिएगा, बहुत काम का ये हैक है। आप अपना कोई भी इयररिंग, जैसे मेरा अभी करंटली फॉर एग्जांपल ये वाला इयररिंग का एक जो सेकंड जो पीस है वो खो गया, तो मैं क्या करूँगी, आप अपने इयररिंग का ये जो बैक साइड है, ये जो इस तरीके का बैक साइड है, इसे हल्का सा बेंड कर दीजिए। मेक श्योर कि आपको ये चुभे ना। अब आप अपने कोई भी प्लेन टॉप पे ऐसे टक करके बेंड कर दीजिए, सी, और आपका ये एक तरीके से ब्रोश की तरह भी काम करेगा। मेरे पास अभी ये वाला इयररिंग था, आप चाहें तो कोई भी इयररिंग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये वाला जो हैक है ना, ये बड़े काम का हैक है, ट्रस्ट मी। और मैं मोस्टली इस हैक को अपनाती हूँ जब मैं कहीं पार्टीज में जा रही होती हूँ, मुझे मांग टीका चाहिए होता है, लेकिन मेरे पास मांग टीका जो है वो नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे जो इयररिंग्स होते हैं इस तरीके के झुमके, जो हैवी इयररिंग्स होते हैं, मैं उन्हें एज अ मांग टीका यूज़ करती हूँ। अब कैसे, आप देखिए, उसके लिए चाहिए आपको ऐसी इयररिंग, एक थ्रेड एंड फ्यू बॉबी पिन्स। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम, क्योंकि मैंने पतला वाला थ्रेड यूज़ करा है, इसलिए मैं इसे पहले नाप कर देख लूँगी मुझे कितना लंबा मांग टीका रखना है, ठीक इतना। तो उसके बाद हम 3-4 ऐसे लंबे धागे रखेंगे। अगर आपके पास मोटा वाला थ्रेड है तो आप उसे यूज़ करिए, एंड मेक श्योर कि जो थ्रेड है वो आपके जो हेयर कलर है उससे मिलता हो। सो मैंने ऐसी एक मोटी लेयर बना ली है। अब हम क्या करेंगे, हम अब अपना इयररिंग लेंगे और ऐसे इयररिंग के बीच में से थ्रेड को अच्छे से पास कर देंगे। मेक श्योर आपका थ्रेड मोटा हो, वरना आपके जो बाल होंगे उसमें अच्छे से नहीं टिक पाएगा। सो आई एम रेडी नाउ, आई एम गोना प्लेस माय मांग टीका एंड नाउ एड फ्यू बॉबी पिन्स, जस्ट गोना फिनिश इट, गिविंग इट अ नाइसर लुक, सी। वेल, आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अब आप समझ गए होंगे कैसे हम अलग अलग हैक्स की मदद से इयररिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कैसे आप हैवी इयररिंग्स को इजीली पहन सकें, डेलिकेटली उन्हें पहन सकें ताकि वो आपकी ईयर्स को बहुत ज़्यादा पेन ना दें, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं वो वीडियो ज़रूर बताऊंगी। और फिलहाल हमारे इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो में टैग करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन स्टे हैप्पी एंड बाय बाय। ये है ABP News, आपको रखे आगे।